प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 विषय हिंदी की जो आज की वर्कशीट आई। देखिए, ये 24 अगस्त ही लिखा हुआ, लेकिन ये 25 अगस्त की वर्कशीट है। और जो अध्याय है दादी माँ, उसके 5 प्रश्न आज के इस हमारी वर्कशीट में आए हैं। तो इन 5 प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जो वर्कशीट है, क्विज है, होमवर्क है, वो सारा आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पहला प्रश्न, लेखक बारात में क्यों नहीं जा सका। पहला प्रश्न है, लेखक बारात में क्यों नहीं जा सका, तो इसके पीछे क्या कारण था। और दूसरा है, सारे प्रश्न एक साथ ही देखेंगे, लेखक के घर पर रहने पर औरतों ने आपत्ति क्यों जताई। तो पहला प्रश्न है, लेखक बारात में क्यों नहीं जा सका, तो इसका आंसर है लेखक बारात में क्यों नहीं जा सका, ये आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके पेज नंबर 7 पे दे रखा है। यहाँ से देखिए, मैं ये लिखा हुआ, मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। तो पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको, लेखक बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। यहाँ से यहाँ तक लेखक बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। अभी मैं आगे पूरे सारे भी बता दूंगा, लिखी हुई वर्कशीट के आंसर भी बता दूंगा। ये किताब में यहाँ से देखें, ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है लेखक के घर रहने पर औरतों ने आपत्ति क्यों की थी। तो इसका कारण है, लेखक बीमार हो गया था, इस कारण नहीं जा सका। और जो दूसरा प्रश्न का आंसर यहाँ से लिखेंगे, विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है, विवाह की रात को भी नहीं भी होता है, ये एक कथा की तरह होता है। विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, सभी पार्ट औरतें करती है, है ना। तो और बीमार होने के कारण वो नहीं जा सका। तो यहाँ तक आपको लिखना है कि ये पूरा दूसरा प्रश्न का आंसर लिखना है, इस कारण औरतों ने आपत्ति जताई थी। तो दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। और तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, दादी माँ ने लेखक को कहाँ सुलाया था। तो इसका आंसर है, तीसरे प्रश्न का आंसर है, यहाँ से लिखना है, एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। तो यानी किस पे सुलाया था, चारपाई पे सुलाया था। तो तीसरे प्रश्न का आंसर है, लेखक को दादी माँ ने चारपाई पर सुला दिया था। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, लेखक जब सो रहा था तो चादर किसने खींची। और पांचवा प्रश्न है, दादी माँ ने कौन सी चीज़ें संभाल कर रखी थी। आप चाहे तो ये प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आंसर बता रहा हूँ। चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखना है, देबू की माँ ने चादर खींच ली थी। लेखक की चादर किसने खींची थी, तो देबू की माँ ने खींची थी। तो ये चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, पांचवे प्रश्न का आंसर आपको लिखना है, कंगन संभाल के रखती थी। क्या संभाल के रखती थी, कंगन संभाल के रखती थी। ये यहाँ से भले चाहे तो आप यहीं से लिख सकते हैं, दादा ने यह कंगन मुझे इस दिन के लिए पहनाया था, ये दादी ने कहा और उनका गला पर उसने सहज कर रखती हूँ, ये उनके वंश की निशानी है, इसलिए उनको सहज के रखती हूँ। तो क्या चीज़ें संभाल कर रखती थी, कंगन रखती थी। और इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे प्रश्नों का आंसर, पांचों प्रश्नों के आंसर आप ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बीमार होने के कारण चारपाई पर सुला दिया, देबू की माँ ने चादर खींच ली और कंगन को संभाल कर रखा था, और आपत्ति क्यों जताई थी, तो वो मैंने प्रश्न आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।